हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन चैनल पर। दोस्तों, यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन के जो चैनल है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे वो भी काफ़ी कम मिलती है। और एक यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इस चैनल को इसीलिए शुरू किया गया था कि आप लोगों को यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से मिल सके। दोस्तों, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पे लगातार वीडियो डालता रहूँ। अब दोस्तों, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि अगर हमारे चैनल पे कम से कम 2-3 हज़ार व्यू वो सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वीडियो डालने का मज़ा है। क्योंकि अगर आप खुद मान के चलिए अगर 20-30 लोग सब्सक्राइबर है, उतने ही होके रह जाते हैं, 100 तक होके रह जाते हैं एक साल के अंदर, तो वीडियो डालने में मज़ा नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगता है दोस्तों। और इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे पास थोड़ा कम टाइम है, मैं मैनेज करके कहीं कैसे ना कैसे ये वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन है वो ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। और दोस्तों, एक बात और, इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को बताइए जो मास कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके, हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हमारे चैनल पे इतने लोग आ रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। और आपका किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और आप हमें ये ज़रूर बता के जाइए, अगर आप हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ ये ज़रूर बता के जाइए कि क्या मुझे ये चैनल चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, क्या आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या नहीं, तो इसके बारे में प्लीज़ एक कॉमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़ सके और हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सके। तो दोस्तों, अभी जैसे 2018 के अंदर अभी 23 फरवरी को जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर देखा है कि कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है पेपर फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। पहले क्या होता था कि सेकंड और थर्ड जो पेपर दो होते थे, टोटल 3 होते थे, लेकिन मेन सब्जेक्ट के दो होते थे सेकंड और थर्ड, अब उन दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। और उसके सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, उन्होंने लिखा है कि अर्लियर यानी कि पीछे के जो सिलेबस है वो ही आएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि पेपर फर्स्ट के अंदर उन्होंने अच्छे से मेंशन नहीं किया कि क्या आएगा। उन्होंने टीचिंग, रिसर्च, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इस तरह के जो है वो उन्होंने मेंशन किए, लेकिन उसने अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें कम्युनिकेशन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और काफ़ी तरह की चीज़ें जो उसके अंदर क्लियर कट नहीं दी है। अब जैसे एनवायरनमेंट की बात आ गई, एनवायरनमेंट नहीं है उसके अंदर, पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिक नहीं है उसके अंदर अब जो नोटिफिकेशन आया है। लेकिन दोस्तों, हमने काफ़ी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो पीछे का जो सिलेबस था वो ही सिलेबस है, जो कम्युनिकेशन है, एनवायरनमेंट है, वो सभी की सभी है, वो आएगी और वो करनी ज़रूरी है। तो अब ये मत सोचना कि वो पीछे वाला सिलेबस नहीं आएगा, वो आएगा। हमें किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है और उसकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए कि क्या आप इस चैनल को आगे चलते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू दोस्तों।